आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। तार साहब, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं वो जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमेरिका, बरतानिया, इंडिया भी है, जिसने ये ऑफर दिया है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट जो है वो संभालना चाहते हैं। अब हुकूमत इन तजावीज़ पर कैसे कब अमल करती है, तो क्या ये तजावीज़ प्रैक्टिकल है? क्या पाकिस्तान में इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि ऐसे गैर मामूली इकदाम उठाने की जरूरत है? लेकिन चीमा साहब, इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं? तांदे कपड़े बेचे कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी ताने के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। 9 माह में पाकिस्तान जो है कंगाल हो गया है, अवाम कंगाल, पाकिस्तान बेहाल, ये आलम हो गया। और अब सवाल यह है कि ये रह गए हैं अब तकरीबन 5 अरब से कम, और 1 अरब देना है अगले इस हफ्ते, तो ये बड़ा एक मसला क्रिएट हो गया है। वो जो दावे करते थे कि 6 महीनों में सब ठीक कर देंगे, आज उन्हें यही समझ नहीं आ रही कि इतने पैसे कहां से लाएं। ये जितने ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं आपके रूलर, इन्हें नहीं पता कि ये किस तरह चेंज करना है। एक चाय वाले ने पाकिस्तान भारत की किस्मत बदल के रख दी है, हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दिमाग क्यों बंद हो चुके हैं? मतलब हम तो हर तरह से दिवालिया हो चुके हैं भाई, और ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी रहेगी। मैं तंग आ चुका हूँ लिटरली ये बात प्रोग्राम में कर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की एक एम्बेसी थी, एक इमारत थी जिसकी अभी पहले बोली लगाई गई थी, और जिसमें एक इंडियन ने उसकी सबसे ज्यादा बोली मतलब सबसे ज्यादा बोली इंडियन ने बोली थी। और अब उसके बाद में पाकिस्तान के हालात अभी इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनियों की बेचने के लिए पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ सरकार, उसने मोहर लगा दी है। उसमें दुनिया के कई देशों ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब जैसे ही ये बात इंडिया का नाम पाकिस्तानी मीडिया को पता चलता है तो पाकिस्तानी मीडिया बौखला जाती है। वो खुद कहती है कि क्या पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब हमें इंडिया को अपनी चीज़ें, अपनी जो संपत्ति है वो देनी पड़ेगी? इतना कंगाल हो चुका है पाकिस्तान। इस तरीके की बात आपने क्लिप्स में भी देखी होगी, इस तरीके की बात जो है पाकिस्तानी मीडिया कर रही है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि जब इतने सारे देश कंपिटिशन में हैं तो उनके 3 एयरपोर्ट खरीदता कौन है? दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी कोई राय होगी उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तार साहब, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं वो प्राइवेट जो है वो कंपनियों को दे दिए जाएं ताकि वो हमारे एयरपोर्ट चलाएं, और वो समझते हैं कि ये एक अच्छा तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 44 ममालिक ऐसे हैं जिसमें अमरीका, बरतानिया, इंडिया भी है, जिसने ये ऑफर दिया है हमें कि वो पाकिस्तान की ये एयरपोर्ट जो है वो संभालना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये एयरपोर्ट भी अब हम, और ये कहा जा रहा है 20 से 25 साल के लिए ये जो एयरपोर्ट हम देने का हुकूमत सोच रही है, और इस पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया गो हेड, आप क्या समझते हैं? सीमा साहब, के साथ एक और अटैच करूंगा चीज, हमारी एम्बेसी का $6 मिलियन की बिक गई है बिल्डिंग उसकी, और लेने वाले कौन है? एक यहूदी पार्टी और दूसरी इंडियन पार्टी है। लेकिन मैं मुझे समझ इस बात की, $6 मिलियन इससे तो पाकिस्तानी रूलिंग लीड के पकौड़े भी नहीं आते। लेकिन चीमा साहब, इस तरह भी कभी गुजारे हुए हैं? तांदे कपड़े बेचे कितना चिर खा लोगे? ये एयरपोर्ट बेचना भी ताने के कपड़े बेचने के मुतरादिफ है। एयरपोर्ट बेचने से, हाईवे बेचने से, पुल बेचने से, तो ये चीमा साहब इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना इस तरह गुजारे होते हैं। लेकिन ये कि मैं हैरान हूं, न्यू ईयर आने वाला है, आपकी रूलिंग एलीट जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको मनाएगी, शराबा चलनगियां, मुजरे होंगे, बड़ा कुछ होएगा पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सिर्फ कहा जा रहा है कि 95-96 हज़ार जो पाकिस्तानी स्किल्ड हैं वो इस साल चले गए हैं, वैसे तो सुना कोई 8-1 लाख बंदे ने पाकिस्तान छोड़ा इस साल। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि वो यूथ वापस आए, और वो स्किल्ड लोग हैं, उन यूथ के लिए क्या करना चाहिए? एलिस फैज साहिबा ने क्या कहा, उन्होंने कहा खुदा रा इन यूनिवर्सिटियों में से एम ए इस्लामियात, एम ए उर्दू पंजाबी खत्म कर दो, इनको टेक्निकल एजुकेशन दो, और फिर फैक्ट्रियां लगाओ इन यूनिवर्सिटियों के, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के साथ फैक्ट्रियां लगाई जाए, वहां से बच्चा पढ़े और वहीं जॉब करे। ये जितने ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं आपके रूलर, इन्हें नहीं पता कि ये किस तरह चेंज करना है, इन्हें नहीं पता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन कैसे लाना है। एक चाय वाले ने पाकिस्तान भारत की किस्मत बदल के रख दी है, हमारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इनके दिमाग क्यों बंद हो चुके हैं? सबको पता है किस तरह चेंज हो सकती, तो दर हकीकत पता सबको है। चीमा साहब, आपकी रूलिंग एलीट सारी बार की पड़ी है, लेकिन करेगा नहीं, करते नहीं ना। मैं भुट्टो से लेकर मिस्टर हैंडसम तक से सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, ये खोखले लोग हैं।
सबके बच्चे बाहर हैं। लोगों के बच्चों को कहते हैं कि ये सियासत नहीं जहाद है, अपने बच्चे आपके 4 दिन नहीं रुके पाकिस्तान में। आपने आपने माइंड बना लिया है तबाही का। आपने 76 साल मेहनत की है कि पाकिस्तान को खत्म किस तरह करना है। पहली बार ये हुआ है कि जो कमर्शियल बैंक है उनमें ज्यादा पैसा पड़ा है और जो उनमें ज्यादा डॉलर है और जो स्टेट बैंक है उसके पास कम है, तो ये बड़ा एक मसला क्रिएट हो गया कि भाई वो कैसे, और जब मिनी बजट के लिए तो लोग तैयार नहीं है। और अब सवाल ये है कि ये रह गए हैं अब तकरीबन 5 अरब से कम, और 1 अरब देना है अगले इस हफ्ते, और उसके बाद तमाम की तमाम उम्मीदें इस बात पर हैं कि सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन मिल जाएं। लेकिन सवाल यह है कि वो ग्रांट होगी या कर्ज होगा, या वो कर्ज भी नहीं होगा, वो रखवा दिया जाएगा सिर्फ, ये भी अभी तक तय नहीं हो रहा। और उसके नतीजे में वो टेक्निकली आप डिफॉल्ट हैं, लीगली आप डिफॉल्ट नहीं हैं। बहस करते रहे डिफॉल्ट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफॉल्ट हो गए हैं, लेकिन वो लीगली आप जो एक डेफिनेशन के मुताबिक हो चुके हैं, एक डेफिनेशन नहीं हुए। और दूसरी बात यह कि प्लान भी नहीं है, विल भी नहीं है, मतलब करना क्या है, मतलब विल नहीं है ना, विल मतलब है ही नहीं। दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि मतलब लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा, डिफॉल्ट, भाई सियासी दिवालियापन की बात कर रहे हैं आप, यहाँ इखलाकी दिवालियापन नजर नहीं आ रहा किसी को? उसके ऊपर आप देख रहे हैं पता नहीं किस किस की क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, मतलब हम तो हर तरह से दिवालिया हो चुके हैं भाई। सियासी दिवालियापन की जो आप बात कर रहे हैं, माशी दिवालियापन की जो आप बात कर रहे हैं, हम हर तरह से हम दीवाने हैं और दिवालियापन का शिकार है, और ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी रहेगी। मैं तंग आ चुका हूँ लिटरली ये बात प्रोग्राम में कर करके, जब कहीं जाता हूँ लोग मुझसे ऐसे पूछते हैं जैसे मैं पाकिस्तान की तरक्की पे पैर रख के खड़ा हूँ, सर हालात कब ठीक होंगे? अबे मैंने पाकिस्तान के हालात खराब किए? लाइन में लग लग के तुम लोग ख्वार हो रहे हो, जूते खा रहे हो, जलील हो रहे हो, मैं तबर्रा कर करके थक गया हूँ, मगर कोई प्रेस क्लब पे आने के लिए तैयार नहीं है, और मुझसे पकड़ करके ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मुझे वोट दिया था। घर में पानी नहीं आ रहा तो मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहे, खुदा के बंदो। अरफिन भाई शायद वो आपको उसको सुनते हैं टेलीविजन पर, तुमको लगता है कोई तो है जो उनकी बात कर रहा है और जो उनके अंदर एक दुख और तकलीफ है आप उसका इजहार तो कर देते हैं कम से कम, ये तो उनको तसल्ली होती है, इसलिए शायद आपसे आकर पूछते हैं कि क्या बनेगा, कि मुल्क के हालात इस वक्त क्या हैं, अवाम के हालात क्या हैं और हमारे हुक्मरानों के हालात क्या हैं, ये आम सवाल। वो जो दावे करते थे कि 6 महीनों में सब ठीक कर देंगे, आज उन्हें यही समझ नहीं आ रही कि इतने पैसे कहाँ से लाएं। जब सनतें बंद करेंगे, ये बेजा पाबंदियां लगाएंगे, मुल्की खजाना खाली करके अपने खजाने भरते चले जाएंगे, तो फिर समझ कैसे आएगी? हमारे यहाँ मईशत के हालात आपके सामने हैं, मुल्क सफर कर रहा है खासतौर पर मईशत के मैदान में, लेकिन इनको वाकई शर्म नहीं आ रही कि इस टाइम पे जो आमने सामने आ गए हैं, जो मामलात हैं, क्या किया जा रहा है, समझ नहीं आ रही। सबने अपनी अपनी जाती अना का मामला बनाया हुआ है, रियासत सबसे ऊपर होनी चाहिए, मुल्क सबसे ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे अपने जाती मुफादात सबसे ऊपर है, तो आपको क्या समझ आ रही इस पूरे मामले की? सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत इस वक्त अटेंशन डाइवर्ट कर रही है कौम की, यानी 22 करोड़ आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि उनको समझ ना आए कि उनके साथ क्या हो रही है, एक महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज जो है ना। तो भाई तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आया है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आप ये वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं? अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं, हमारे भारत से देख रहे हैं, भारत के किस राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वो भी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक का हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन प्रदान होता है और हम आगे ऐसे ही तत्पर काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि हमें आपके लाइक से लगता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इसीलिए हम आपको बार बार वीडियो को लाइक करने के लिए बोलते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए